सुशांत ने जिंदा रहते हुए कितनी बार बोला कि मेरी सुन चुरिया देख लो, मेरी सुन चुरिया देखो, इनमें से कोई नहीं पहुंचा। आज उसी के कंधे पे बंदूक रख के ये बोल रहे हैं कि मत देखो कुछ भी, वो भी ऊपर से बोल रहा होगा भाई मैंने कब बोला। फाइट्स अच्छे थे, उन लोग के शॉट्स अच्छे थे, बॉन्ड भी सबके अच्छे थे, आलिया और रणवीर का बहुत अच्छा कॉम्बो दिख रहा था। बहुत अच्छा था, मतलब मुझे बेसिकली ज़्यादा सेकंड पार्ट जो था वो ज़्यादा अच्छा लगा। थोड़ा स्टोरी एंड ऑल इट्स गुड, लाइक कंपेयरिंग टू मार्वल एंड ऑल इसके तो ऑब्वियसली बॉलीवुड तो वही होता, बट ओवरऑल अच्छा ही था, ठीक था। सॉरी, सबका काम अच्छा था, बट थोड़ा जो अमिताभ बच्चन का पार्ट था वो थोड़ा सा मतलब लॉजिकली नहीं लगा, बट ठीक, थोड़ा बोरिंग था द पार्ट ऑफ अमिताभ बच्चन, बट बाकी सब जितने अस्त्र बताए गए हैं आपका कौन सा फेवरेट अस्त्र बनाया? अग्नि अस्त्र ही मुझे बहुत अच्छा लगा, बिकॉज जब रणबीर कपूर जब उसका वो खुद से पावर जब लाता है विदाउट यूजिंग हिज स्पून, सो वो ज्यादा अच्छा लगा। गाने वगैरह कैसे पीछे? वो भी बहुत सही है। आपका कौन सा फेवरेट? केसरिया। ओके, 5 में से रेटिंग कितने देना चाहेंगे? 4.3। एंड हाउ यू कैन अप्रोच टू ऑडियंस टू वॉच दिस पर्टिकुलर? यू गाइस नीड टू वॉच दिस बिकॉज ये बहुत 10 साल के बाद, एंड रणबीर एंड आलिया को ऐसे टुगेदर देखना है वो भी इतने टाइम बाद, सो या इट्स अ गुड मूवी, बट या यू कैन वॉच इट। थैंक यू सो मच। तो सर सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है हमका आपका फिल्मी टॉन पे। फाइनली देख ली ब्रह्मास्त्र, कैसा था एक्सपीरियंस मूवी कैसे लगा? मेरे को मूवी बहुत अच्छी लगी। बॉलीवुड में ऐसी मूवीज आमतौर पर नहीं बनती हैं, वीएफएक्स पे इतना भयंकर काम शायद ही कोई मूवी पहले आई है जिस पर हुआ होगा। मुझे याद है 2011 में मैंने रावण देखी थी दिल्ली में, तो मैं बहुत स्टम्प्ड था क्योंकि मैं उससे पहले मार्वल यूनिवर्स की मूवीज़ वगैरह देखी, तो मैं सोचता था यार हॉलीवुड में ये सब हो रहा है, हमारे बॉलीवुड में कब होगा। मेरे को बहुत बल्कि मेरे को पहला व्यूइंग मेरा जो उस फिल्म का था मेरे को अच्छा नहीं लगा, फिर भी मैं दूसरी बार गया था क्योंकि मैं अंदर से बहुत प्राउड फील कर रहा था कि इंडिया की मूवी है। क्या बात है, तो मेरे को अच्छा लगा था, मैं देखने गया था। और ब्रह्मास्त्र मैंने आज देखी, मेरे को इसमें वीएफएक्स का बहुत अच्छा काम था। क्या बात, थोड़ा स्टोरी लाइन पे काम किया जा सकता था, लेकिन फिर भी एज अ परफॉर्मर सब जानते हैं कि रणबीर कपूर आलिया भट्ट कैसे परफॉर्मर है, कैसे अपने कंधों पे जैसे गंगू भाई में आलिया भट्ट ने क्या काम किया। क्या बात है, बिना हीरो की एक फिल्म ऐसे निकालना, वुमन सेंट्रिक फिल्म को इतना ऊपर चढ़ा दिया उन्होंने, तो फिल्म बहुत अच्छी है। एक्चुअली वो बात क्या है कि ये जो बॉयकॉट गैंग है ये पता नहीं किस बेसिस पे मूवी को बिना देखे बॉयकॉट कर रहे हैं। ये जो ट्रेंड चला हुआ है इस वक्त भारत में ये बहुत गलत है। एक्चुअली क्या हो रहा है कि सुशांत ने जिंदा रहते हुए कितनी बार बोला कि मेरी सुन चुरिया देख लो, मेरी सुन चुरिया देखो, इनमें से कोई नहीं पहुंचा। आज उसी के कंधे पे बंदूक रख के ये बोल रहे हैं कि मत देखो कुछ भी, वो भी ऊपर से बोल रहा होगा भाई मैंने कब बोला। तो ये जो बॉयकॉट चल रहा है ना उसके नाम पर ये बहुत गलत चल रहा है, और जो इंडिया है ना एक बेमतलब का गंदा एग्जाम्पल सेट कर रहा है दुनिया के सामने कि हम भेड़ चाल कैसे करते हैं। ज़बरदस्ती किसी भी चीज़ को ज़बरदस्ती बॉयकॉट कर देना ये मेरे समझ से परे है। मैं खुद इस इंडस्ट्री से हूँ तो मेरे को थोड़ा सा लगता है कि अगर मान लो ऐसा बॉयकॉट ट्रेंड चलता रहा मैं तो रोजी रोटी के वांदे पड़ जाएंगे, क्योंकि ऐसा नहीं है बॉलीवुड की वजह से भी इंडिया का कितना जीडीपी वीडीपी सब में फ़र्क पड़ता है और सब होता है। ऐसे तो कितने करोड़ों की मूवी हैं, कितने लोग जुड़े हुए होते हैं, सबका रोजगार चल रहा है, ये सब देखना चाहिए। मूवी आप किसी पर्टिकुलर बेसिस पर बॉयकॉट करो तो समझ में आता है रिलीजन हो या उस पर कुछ ऐसा दिखाया गया हो जिसकी वजह से आप बॉयकॉट करो। ज़बरदस्ती का बॉयकॉट क्यों बॉयकॉट ट्रेंड चल रहा है? ये बॉयकॉट ट्रेंड बहुत ही बेकार है और ये बेमतलब बॉलीवुड को खा रहा है, और आने वाले जो नए टैलेंट हैं उनको भी बेमतलब ये पीछे कर रहा है कि नहीं बॉलीवुड का रास्ता मत अपनाओ, ये कोई वो जगह नहीं है, जो जिससे मैं बहुत निराश हूँ, ऐसा नहीं होना चाहिए। काम वगैरह कैसे? हाँ, काम बहुत अच्छा है। रणबीर कपूर एज यूजुअल हम जानते हैं कि कितने नेचुरल एक्टर है वो चीज़ों में, और इस बार तो एक और इन्हें सपोर्ट मिल गया वीएफएक्स का, वो कैसे चीज़ों को ले रहे थे वो बहुत अच्छी चीज़ थी। और आलिया भट्ट तो एज ऑलवेज हमेशा से अच्छा काम करती है, जो कैमियोज थे वो भी बहुत अच्छे थे, बहुत डिफरेंट थे, और मुझे काम तो अच्छा लगा, काम में कोई कमी नहीं है। कुछ हो सकता था कि थोड़ी अनमेच्योरिटी लगी डायरेक्शन में, और थोड़ा लगा कि शायद ये इतना ओवर हो गया, ये नहीं होना चाहिए था, और ज़्यादा कमेंट मैं कर नहीं सकता क्योंकि मेरे को खुद इतना नॉलेज नहीं है इन सब का, लेकिन मेरे को ठीक लगा काम तो जैसा होता है, और मेरे को ठीक लगा काम। जिस तरीके से सिनेमेटोग्राफी दिखाई गई है, सीन्स दिखाए गए, विजुअल सीन्स दिखाए गए या फिर ग्राफिक्स दिखाए गए, उनके बारे में आपका कहना क्या रहेगा? वो बहुत अच्छे थे, वो वाकई में अच्छे थे। कहने में सुनने में आ रहा था कि अयान मुखर्जी ने 10 साल लगा दिए इस फिल्म में,
तो वो कहीं ना कहीं दिख रहे थे कि 10 साल लगे हैं क्योंकि बहुत प्रॉपर काम हुआ है उस पर, इतने बजट की मूवी बनी है। वो बहुत अच्छे थे, बहुत बहुत शानदार थे। एक्चुअली क्या है, मैंने ये मूवी 2D में देखी। अगर मान लो 3D में देखता हूँ तो शायद मैं इसको और अच्छे से बता पाऊँ। 2D में मेरे को बहुत अच्छी लगी, 3D में तो क्या पता ये बहुत और अच्छी हो। तो लेट्स सी, क्या कभी मैं देखूँगा तो बताऊँगा। मैं 3.5 दूँगा। मूवी बहुत अच्छी थी, जो एक्सपेक्ट किया था उस पर खड़ी उतरी है। और जो उन लोगों के बॉन्ड्स थे, मतलब ऐसा बिल्कुल भी लगे कि हाँ चलो ठीक है फाइन, ये पहले देखी हुई है, अच्छी थी। फाइट्स अच्छे थे, उन लोगों के शॉट्स अच्छे थे, बॉन्ड्स भी सबके अच्छे थे। आलिया और रणवीर का बहुत अच्छा कॉम्बो दिख रहा था, एंड जो एक्सपेक्ट किया था वो रही है। अभी पार्ट 2 के तो और एक्साइटमेंट है, क्या कौन है देव एंड ऑल, पार्ट 2 एंड ऑल सब देखेंगे। क्या बात है, कहा गया है कि इस मूवी बनाने के लिए आयन मुखर्जी ने 10 साल लिए, कि क्या उनका जो मेहनत है वो पर्दे पे रंग ला रहा है? हाँ ला रहा है फॉर श्योर। ऐसी मूवी के लिए इतना टाइम लगता है, बिकॉज सब इन्फॉर्मेशन लेना, कलेक्ट करना, फिर उसको शो करना, तो इतना टाइम लग जाता है। तो हाँ उनका है। जो VFX दिखाए गए, ग्राफिक सीन्स दिखाए गए, या फिर जो सिनेरियो दिखाया गया, वो आपको कितना अच्छा लगा उसके बाद? वो भी बहुत अच्छा, बहुत ओवर नहीं दिख रहा है कि हाँ बहुत ओवर कर दिया, परफेक्ट है मूवी के हिसाब से और फाइट के हिसाब से एकदम अच्छा है। सबका काम वगैरह कैसा है? सबका काम बहुत अच्छा है, सबने अपना अपना काम बहुत अच्छे से किया। आई एम रियली हैप्पी फॉर द मूवी। जितने अस्त्र दिखाए गए मूवी में, आपका ऐसा मूवी देखने के बाद ऐसा कौन सा फेवरेट अस्त्र बन चुका है अभी? हाँ अग्नि अस्त्र, ऑब्वियसली इट इज द रणवीर सिंह इज पार्ट ऑफ दैट। लोगों को कैसे अप्रोच करेंगे आप ये मूवी देखने? लोगों को ऐसे अप्रोच कर सकते हैं, ऑब्वियसली जो भी फैन हो गए आलिया रणवीर के तो वो तो ऑब्वियसली आएंगे, एंड जो इन सब के बारे में थोड़ा नॉलेज रखते रहेंगे वो, एंड जो फिल्म के अच्छे होंगे वो आ जाएंगे। थैंक यू सो मच।